कि दसवीं करी इंटर करी फिर डिग्री ले ली बीए की, दसवीं करी इंटर करी फिर डिग्री ले ली बीए की और एज पूरी हो तो घबराना मत क्योंकि फिर भर्ती देखनी है टीए की। जय हिंद। कोशिश बहुत की राज़े मोहब्बत बयाना हो लेकिन मुमकिन कहाँ था आग लगे और धुआं ना हो। अरे ये वीडियो मेरा आर्मी लवर के लिए कि जब भी भर्ती देखने जाओ ना तो भीड़ को देखकर घबराना नहीं है। अरे जब भी भर्ती देखने जाओ ना तो भीड़ को देखकर घबराना नहीं है और एक बार तुमने रनिंग चालू कर दी ना लाड़लो तो पूरे 4 राउंड तक रुकना नहीं है। के हार गया हूँ तो मंजिलों को भूल थोड़ी जाऊंगा, गिरकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। अरे मैंने मोहब्बत किया आर्मी से और ये शौक बड़ी मुश्किल से पाला है। जय हिंद। के हार गया हूँ तो मंजिलों को भूल थोड़ी जाऊंगा, गिरकर बड़ी मुश्किल के वापस आ चुके हैं अब भौकाल मचाएंगे, के वापस आ चुके हैं अब भौकाल मचाएंगे। बेटा तूने जितना सोच रखा है ना हम उससे भी आगे जाएंगे। के वापस अभी उड़ने दो इन कबूतरों को, जब हम आएंगे आसमान खुद खाली हो जाएगा। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ क्योंकि मेरी बुराई करने का ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है ना। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत होना। कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है, कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है तुम मुझे ना समझ पाई, मुझे इस बात का अफसोस है। कि जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो ना माँ का तूने दूध पिया और बाप का तुझ में रक्त नहीं। मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए और जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा, कि जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए। अगर तैयारी तगड़ी है ना तो हमें जीतना है, हारने वालों को कोई नहीं पूछता। चांद पे पहला कौन आदमी गया था सबको याद है, दूसरा कौन गया किसका चच्चा था किसी को नहीं याद है। याद रखिए पहला कि किताबों से नहीं मैंने रास्तों की ठोकरों से सीखा है, कि किताबों से नहीं मैंने रास्तों की ठोकरों से सीखा है और मुश्किलों में भी हंसना ये मैंने अपने पापा से सीखा है। इतने काबिल बन जाओ कि जिस स्कूल के टीचर तुम्हें कहते थे ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे तुम पूरे नालायक हो, उस स्कूल में तुम्हें बुलाया जाए और कहा जाए वाह बेटे क्या काम। कुछ लोग अकेला रहने का मतलब ये सोचते हैं कि कोई लड़की उसे छोड़ के चली गई है जिसकी वजह से वो अकेला है, ऐसा नहीं है। इंसान उस वक्त अकेला हो जाता है जब वो अपनी लाइफ को चेंज करने का फैसला लेता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप प्रोफाइल पे जाके पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है, अरे पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे कि मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया और वो मेरी माँ की दुआ है जिसने बुरे वक्त का भी रुख मोड़ दिया।